all right guys in this video i will be showing the process of how to claim microsoft azure certification watchers so if you are uh, completed the azure ai skill challenge then you have a chance to claim a free microsoft azure watchers worth it $100 and $200 so so let's start the video and uh, see the process how to claim a microsoft free azure watchers so if you are new to the channels please do subscribe to the channels and uh, if you don't know about the ai skill challenge i have already discussed on my channels

साथ में आपको माइक्रोसॉफ्ट एच का बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स में सर्टिफिकेट क्लेम करने का मौका मिल मिलेगा तो उसको आप कैसे क्लेम करोगे तो फाइनली ये प्रोग्राम एंड हो चुका है एंड अगर आप लोगों ने मॉड्यूल्स कंप्लीट किए होंगे जिसके अंदर यहाँ पे चार मॉड्यूल्स थे किसी एक को भी कंप्लीट किए होंगे तो आपको इस तरह का एक मेल आया होगा कि अभी आप जो अपने वॉचेस को क्लेम कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये वॉचेस आपको एक्सपायर हो सकता है तो इसकी कुछ स्पेसिफिक डेट है उससे पहले आपको, आपको क्लेम करना है ट्वेंटी जून तक इसकी लास्ट डेट है इस वॉचेस की जो कि आपको मेल पे आया हो तो इस मेल के अंदर सिंपली आपको एक कोड दिया गया होगा उस कोड के जरिए आप यहाँ पे अपने एग्जाम को शेड्यूल कर रहे होंगे सो so, यहाँ पे कैसे इस को क्लेम करना है मैं आपको सारी प्रोसेस शेयर करने वाला इस वीडियो को आप लोग तक देख लेना सारी प्रोसेस आपको समझ में आ रही होगी ओके okay. सो so, अगर आप लोगों को इस तरह का एक मेल आ चुका होगा तो यहाँ पे इस मेल के अंदर एक शेड्यूल और एग्जाम नाम का बटन भी है जो कि आपको इस मेल के नीचे में दिख जाएगा सिंपली उस पर क्लिक करना एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग इस तरह की वेबसाइट पे आ जाओगे ओके एंड यहाँ पे काफी सारी चीजें यहाँ पे दी गई जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर रखा कि यहाँ पे ये प्रोग्राम नाइनटीन मार्च से स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ पे नाइनटीन अप्रैल तक चलने वाला है एंड इस प्रोग्राम के कुछ रूल्स रेगुलेशन भी है कि इसके अंदर यहाँ पे चार मॉड्यूल्स थे इन चारों में से किसी एक को कंप्लीट करना था एंड कंप्लीट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको सर्टिफिकेशन वॉचर मिल रहा होता है एंड फाइनली आप लोगों को वॉचर्स आ चुका है एंड जो वॉर्जर्स आई है वो किसी एक एग्जाम के लिए ही वैलिड है यहाँ पे जो चार एग्जाम मेंशन की गई है इन चार में से किसी एक एग्जाम के अंदर आप जो एग्जाम शेड्यूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे होगे उस कोड के जरिए तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप चॉइस कर सकते हो कि किस एग्जाम को आपको शेड्यूल करना है एंड जो कोड दी गई है सिंपली उस को आप लोग कॉपी कर लेना ओके अब यहाँ पे अगर बात करूँ बिगनर लेवल के लिए तो यहाँ पे बिगनर के लिए ए आई नाइन जीरो जीरो माइक्रोसॉफ्ट एच जीओ ए आई फंडामेंटल काफी बढ़िया सर्टिफिकेशन होगा अगर आप यहाँ पे एच में बिगनर लेवल में हो एंड ये आप स्टार्ट करना चाह रहे इस जर्नी को तो बाकी अगर आप यहाँ पे एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन देखोगे अगर आप फंडामेंटल आपकी क्लियर है एजियोर के अंदर तो ए आई वन जीरो टू डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग माइक्रोसॉफ्ट जोर ए आई सोल्यूशन की सर्टिफिकेशन आपके लिए काफी बेस्ट होगा ओके उसके बाद यहाँ पे एसोसिएट से अपर लेवल की अगर हम बात करेंगे तो डी पी सिक्स जीरो जीरो इम्प्लीमेंटिंग एनालिटिक सोल्यूशन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक तो अगर आप फैब्रिक वगैरह में फैब्रिक इंजीनियरिंग में एनालिटिक इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए काफी सही होगा ज्यूर के मशीन लर्निंग में कंफर्टेबल हो तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए बेस्ट होगा ओके तो 24 जून से पहले आप कोड को रिडीम कर लेना उसके बाद अगर करोगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा एंड एग्जाम भी आपको इससे पहले ही शेड्यूल करना होगा ओके तो इन चारों कोर्स में जिनमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसको सिलेक्ट कर लेना सपोज मैं यहाँ पे ए आई नाइन जीरो जीरो मैं फंडामेंटल ए आई सोल्यूशन की सर्टिफिकेशन को और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ओके अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है यहाँ पे टेक द एग्जाम का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा इससे पहले आप जो प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि यहाँ पे ये एग्जाम बार बार आप शेड्यूल नहीं कर पा रहे हो तो वॉचर्स काफी मुश्किल से मिलता है एंड वो आपका इनवैलिड नहीं होना चाहिए मतलब आप एग्जाम फेल नहीं करना चाहिए तो आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाना मैं कुछ रिसोर्सेस बहुत ही जल्दी एक वीडियो बना दूंगा कि और कौन सा रिसोर्स आपके लिए बेस्ट होगा जिससे कि आप काफी आसानी से एच की सर्टिफिकेशन क्लियर कर पा रहे हो तो उसको आप लोग चेकआउट कर लेना ओके अब यहाँ पे सिंपली नाइनटी डॉलर की यह सर्टिफिकेशन है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये एग्जाम दो प्रोसेस में होता है एक तो है कि आप सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हो एंड दूसरा है कि आप पीएसएनवी मतलब अपने घर बैठे किसी भी जगह पे एग्जाम दे सकते हो तो यहाँ पे मैं पेसन व्यू पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इस तरह की एक पेज ओपन हो जाएगी ओके अब यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिलअप करना है जो भी आपका नेम है ऑलरेडी मैंने एग्जाम अजय की दे रखा है तो मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल रेडी है तो मेरी इस तरह की डिटेल्स आ चुकी है बाकी अगर आप लोगों की डिटेल्स नहीं है तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिलअप कर लेना उसके बाद यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को डिस्काउंट नाम का एक सेक्शन आ जाएगा स्टेप टू के अंदर तो स्टेप टू के अंदर हम लोग इंटर हो चुके हैं एंड यहाँ पे अपने ई मेल को सिंपली पेस्ट कर देना है जिस ई मेल पे आप लोग को वॉजर्स आया तो यहाँ पे चेक डिस्काउंट भी कर लेना अगर आपके ई पे ऑलरेडी आ रखा है तो सही है यहाँ से भी आप शेड्यूल कर रहे हो अदरवाइज अगर नहीं आए तो नो इशू है सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है अब यहाँ पे आपको कोड डालने का एक ऑप्शन है ओके शेड्यूल विद क्वेश्चन पे सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर रहे होंगे कि सिंपली इधर आते हैं इन पर्सन एट द सेंटर पे क्लिक और नो सॉरी इन पर्सन मत करना क्योंकि वहां पे फिर आपको जाना पड़ेगा तो काफी मुश्किलें होंगी ऑन व्यू ऑनलाइन विथ ओके तो यहाँ पे सिंपली दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है एक तो ये है कि आप किसी सेंटर पे जो कि आपके नियर बाय है सिटी में तो वहाँ पे जाकर आप दे सकते हो देन सेकंड ऑप्शन है कि अपने घर पर अपने पी पे आप एग्जाम शेड्यूल कर रहे हो तो मैं यहाँ पे ऑन व्यू ऑनलाइन जो भी मेरे है पी सी मुझे एग्जाम देना तो सिंपली इस पर क्लिक कर रखा हूँ ओके एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे ये कुछ और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रहा है की से कि यहाँ पे जब भी आपको अपना पर्सनल तो पीसी से एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको रेडी रखना होता है ओके okay. तो अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना रहा है कौन सी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है? तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट देन फिर यहाँ पे और एक दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि ये भी इसकी पॉलिसी है तो सिंपली यहाँ पे सभी को यस कर देना है एंड देन फिर सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट ओके अब यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग अपनी कोड को पेस्ट कर रहे होंगे उससे पहले अभी और भी है इंस्ट्रक्शन तो ओके okay, तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद और भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे इसको भी हम लोगों को एक्सेप्ट करना है देन फिर यहाँ पे आ, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर तो सिंपली जो भी इसकी डिटेल है कि कैसे आप एग्जाम दे रहे होगे कैसी क्या पॉलिसी है मतलब अगर आप लोग चीटिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे भी एक सारी रूल रेगुलेशन uh, होती है तो सभी को यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा एग्री पे क्लिक करना होगा एंड देन फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद फाइनल स्टेप आएगा यू मस्ट यू आर एडी द पॉलिसी ओके हम ओके यहाँ पे ये छूट गया था सिंपली इस पे क्लिक करते हैं एंड सारे पॉलिसी को हम लोग सिलेक्ट कर लिया एंड सिंपली यहाँ पे एग्री क्लिक करते हैं एंड देन फिर हम लोगों को फाइनल स्टेप देखने को मिला कि हम लोग एक और ऑप्शन आ गया कि यहाँ पे इंग्लिश एंड जेपनीज और जो ए आई नाइन जीरो जो एग्ज़ाम है वो दो लैंग्वेज में अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया लियाँ एंड फिर यहाँ पे टाइम जोन हम लोगों को सिलेक्ट करना है कि कौन से टाइम में एग्जाम देना है। तो यस और मेरी ये सही है ओके तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लेना आप यहाँ पे कौन से डेट में आपको एग्जाम देना है तो वो यहाँ पे स्ड्यूट कर लो तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं जून में दो मैं एग्जाम दूँ ओके मैं ट्वेंटी टू को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड रैंडम में सेलेक्ट कर रहा हूँ बस प्रोसेस आपको दिखाने के लिए एंड देन फिर यहाँ पे जो इसकी स्लॉट्स हैं इस स्लॉट्स में आप अपने एग्जाम को दे रहे होंगे तो एक्सप्लोर मोर टाइम्स पे करके और भी बहुत सारे टाइम है तो इस पर आप लोग देख लें तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि मैं रात के एक बजे एग्जाम दूँ एंड आप लोग भी यही प्रेफर करना क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट जो एस्टेबिलिटी होती है काफ़ी मैटर करती है तो रात को तो काफ़ी अच्छी इंटरनेट होती है तो अगर आपका मॉर्निंग टाइम में भी कर सकते हो एंड जब भी आपकी इंटरनेट बेटर हो और लाइट वाली अगर वाईफाई से कनेक्टेड हो तो लाइट

रुपीज पेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देखने, तो को पे देखने, तो देखने को मिल जा रहा है अभी हम लोगों के पास एक ऑलरेडी है कोड तो हम लोग अपनी कोड को यहाँ पे वेस्ट करेंगे एंड सारी डिस्काउंट अभी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा तो अभी सिंपली क्लिक ऑन प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करना है एंड सिंपली इसमें क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है एड वाचर और प्रोमो कोड ओके okay, तो सिंपली एड वाचर एंड प्रोमो कोड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जो आपकी वाचर्स है सिंपली यहाँ पे वॉचर को पेस्ट करना है एंड देन फिर नेक्स्ट करना है एंड एग्जाम को शेड्यूल कर लेना तो आपकी जो वो सारी डिस्काउंट जीरो जीरो रुपीजी देखने को मिल जाएगा एंड आप फाइनली एग्ज़ाम शेड्यूल कर रहे एंड इस एग्ज़ाम को रीशेड्यूल भी कर सकते हो सपोज़ आपने रैंडम डेट को सेलेक्ट कर लिया एंड उस डेट को आपको कोई टास्क हो गया एंड वो एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए तो आपको पता है दो दिन पहले कि यस मेरा वो, वो उस डेट को मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा तो आप रीशेड्यूल भी कर सकते हो एग्ज़ाम का डेट बढ़ा सकते हो तो वो उसकी वीडियो चाहिए तो बता देना मैं दूसरी वीडियो में वो प्रोसेस सारे शेयर कर दूंगा तो अभी आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कैसे एग्जाम शेड्यूल करना कुछ इशू अगर हो इस प्रोग्राम से रिलेटेड एजियोर की कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना मैं सारी प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझा दूंगा बाकी मैं लिंक दिन में हूं यहाँ पे आप मुझसे कॉन्नेट हो सकते हो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो मिलते हैं इस तरह की वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक यू